नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर अश्विक लाइज पर। जी हाँ दोस्तों, कच्चे कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा देने के लिए जो ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश जो लेकर आई है हरियाणा सरकार, दोस्तों आप लोगों के सामने वही अध्यादेश है। ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट है वो आप लोगों के सामने है। जी हाँ, बहुत सारे साथी इसकी डिमांड कर रहे थे, भाई जो सरकार ने घोषणा की है वो ओरिजिनल कहाँ है, जो लिखित में है जिस पर साइन हुए हैं वो कहाँ पर है। तो दोस्तों वो आप लोगों के अब सामने आ चुका है, ये आप लोग देख पा रहे हैं। मेमोरेंडम आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, ये एक ऑर्डिनेंस है। ऑर्डिनेंस दोस्तों अध्यादेश होता है। साथियों आइए इसमें जान लेते हैं क्या कुछ इसमें जो है बताया गया है, भाई क्या कुछ इसमें चीजें रहेंगी आने वाले समय में जो कर्मचारियों को मिलेंगी और क्या क्या कंडीशन रहेगी। वैसे मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ कि जो मैक्सिमम बात हमने अपने कल की वीडियो में बताई थी और वो जो वीडियो है काफी सारे साथियों ने देखी भी, 25,000 प्लस उस पर जो है व्यू जा चुके हैं, तो काफी सारे साथियों ने उसको अच्छा रिस्पॉन्स दिया। उसमें जितनी भी मैक्सिमम बातें हमने आप लोगों को बताई इस डॉक्यूमेंट के आने से पहले, वो सारी की सारी बातें इसमें हैं और उन पर एक बार फिर से नजर डालते हुए आप लोगों को दिखा देते हैं कहाँ पर क्या चीजें लिखी हुई है। देखिए दोस्तों यहाँ पर इस पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन में, इंट्रोडक्शन है ये, इंट्रोडक्शन में इसमें यही बात बोली गई है मुख्य रूप से। अगर एक एक लाइन पढ़ेंगे तो ये 7 पेज है, ज्यादा टाइम लग जाएगा। पॉइंटों पर बात करेंगे फिर हम इसको जो अपना कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे मुख्य मुख्य बातों को। देखिए इसमें ये चीज बोली गई है दोस्तों कि जो ओवर द ईयर यानी कि बहुत समय से लगातार क्या है, बहुत सारे जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट है, उन्होंने कर्मचारी लगाए हुए हैं बी सी और डी ग्रुप के बहुत सारे। कोई कॉन्ट्रैक्ट पर है, एडहॉक पर है, आउटसोर्स पर है, या फिर इनडायरेक्ट रूप से कोई भी किसी तरह से लगा हुआ है, ठीक है, इनडायरेक्ट एंगेजमेंट यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है। तो साथियों ये सारे के सारे जो कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं लंबे समय से और अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण समय इन्होंने जो है स्टेट को दिया है यानी कि सरकार को, राज्य को दिया है अपनी सेवा का, इसमें ये बात लिखी गई है यहाँ पर पहली 2-3 लाइनों में यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने बताया सच एम्प्लॉई हैव गिवन प्राइम ईयर, देखिए यहाँ पर ऑफ देयर लाइफ, अपनी लाइफ का इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण समय दिया है। देयर इज लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी इन देयर माइंड, यानी कि उनके दिमाग में जो कर्मचारी यानी कि कच्चे कर्मचारी की बात हो रही है दोस्तों, अभी कच्चे कर्मचारियों के दिमाग में लगातार जो है उनके भविष्य को लेकर असुरक्षा की भावना रहती है। असुरक्षा की भावना जाहिर ही बात है भाई, कभी भी कोई भी अगर आपको हटा सकता है नौकरी से अचानक से तो असुरक्षा की भावना तो रहेगी। तो रिलीव करने का, देखिए यहाँ पर रिलीव की जो भावना है भाई, कभी भी इनको कोई भी रिलीव कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है, कोई भी उनकी जगह पर आकर दूसरा लग सकता है, अनदर सेट ऑफ पर्सन, ठीक है। तो उनके साथ दोस्तों क्या है, ये अनजस्टिफाई है यानी कि कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है, ये भाई उनको सुरक्षा नहीं दी जा रही है, उनको मानसिक रूप से जो है एक तरह से तनाव रहता है काम करने का, कुल मिलाकर सीधी सी बात ये है। इसलिए यहाँ पर इन सभी चीजों को देखते हुए और दूसरा यहाँ पर जो है दोस्तों कोर्ट भी, जी हाँ हाई कोर्ट भी कई बार जो है आदेश दे चुका है भाई इन कर्मचारियों की सेवाओं को देखते हुए इनके पक्ष में कोई ना कोई निर्णय लीजिए, ये बात भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन की है। देखिए इन्होंने गवर्नमेंट हैज ऑल्सो स्टार्टेड इन हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का एक केस का इन्होंने बताया हुआ है कि केस नंबर इन्होंने दिया हुआ है और नाम था दर्शना देवी वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा, इस नाम से कोई जो केस चला हुआ था पक्का करने की मांग को लेकर। इस दौरान भी यहाँ पर देखिए पॉलिसी ऑफ फॉर रेगुलेशन ऑफ सर्विस ऑफ एड हॉक एम्प्लॉय यानी कि कर्मचारियों के लिए पॉलिसी बनाने को लेकर इसके बारे में दोस्तों ये केस चला हुआ था। तो इस सब को भी देखते हुए पहले कर्मचारियों को दोस्तों भले ही आदेश आए कोर्टों के, लेकिन उनको पक्का क्यों नहीं किया गया, क्योंकि सेंक्शन पोस्टों की कमी थी। देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया है लैक ऑफ सेंक्शन पोस्ट, तो जो सेंक्शन पोस्ट थी वो कम है, इस वजह से इनको यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पा रही थी सरकार। तो सरकार ने क्या किया, अब ये जॉब सिक्योरिटी वाला जो है कानून बनाने की तैयारी कर दी यानी कि अध्यादेश इसके लिए लेकर आई है सरकार। यहाँ पर इन्होंने अपना एक तरह से भूमिका तैयार की है भाई, क्या परेशानी थी और उसका हमने क्या सोल्यूशन निकाला, इन पैराग्राफ में, इन इंट्रोडक्शन में इन्होंने ये चीज बोली है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों इसमें जो मुख्य मुख्य से पॉइंट है उन पर मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा इसमें, क्योंकि लास्ट में भी वही चीज है और इस पैराग्राफ में भी वही चीज है। लास्ट में पॉइंट टू पॉइंट बता रखी है और इसमें यहाँ पर पैराग्राफ के रूप में बता रखी है, ठीक है। अब आइए जो मुख्य बात, देखिए यहाँ पर हिंदी में भी हमने इसको ट्रांसलेट कर दिया है, किसी साथी को अगर हिंदी में भी चाहिएगा तो हिंदी में भी उपलब्ध इसको करवा देंगे। ये दोस्तों ये जो है सेकंड पेज पर इन्होंने बताया है भाई किस अपने जो है आधार पर कोई भी सरकार ऑर्डिनेंस लाकर, मतलब लाकर अपना जो काम चला सकती है भाई। राज्य के पास, सरकार के पास जो है शक्तियां होती हैं, कोई कानून लेकर आना है, ऑर्डिनेंस लेकर आना है, कोई चीज लागू करनी है, राज्यपाल किस तरह से उसको क्या कुछ कर सकती है, ये कानूनी चीजें वाली है, ठीक है।
या आप इसको हमने हिंदी में, यानी कि ये अगर इंग्लिश में है तो ये हिंदी में, इसी पेज का हमने एक पेज को हिंदी में और एक पेज को इंग्लिश में रखा है। अब आइए इस पेज पर दोस्तों, इस पर देख लेते हैं ऑर्डिनेंस, यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या कुछ बताया गया है ये भी देख लीजिए। यहाँ पर ऑर्डिनेंस के मतलब इन्होंने यहाँ पर समझाए हुए हैं। ठीक है भाई, किस तरह से क्या क्या काम आता है, किस तरह से हम इसको जो है लागू कर सकते हैं ऑर्डिनेंस को, इसमें भी सारी की सारी चीजें यहाँ पर ये चीज बताई हुई है। बोर्डों में, विभागों में किस तरह से कर्मचारी हमने लगाए हुए हैं, कौन सी धारा, कौन सी खंड के तहत हम जो है सारी की सारी जो चीजें अपनी कर सकते हैं। अब आइए असली पॉइंट पर, यहाँ पर कौन एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है इस पेज पर ये इन्होंने बताया हुआ है। देखिए यहाँ पर, द कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय शैल बी एलिजिबल हु, कौन सा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय योग्य है इस नौकरी के, जो ये ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं, जो कानून बनेगा आगे चलकर, ऑर्डिनेंस जो ले आए हैं। पहली बात तो यहाँ पर जिनकी सैलरी 50,000 रुपये से कम है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये, बहुत सारे कर्मचारियों की सैलरी कुछ पोस्ट पर 50,000 से ज्यादा है, वो 50,000 से ज्यादा वाले इसमें भाग नहीं ले सकते। हालांकि वो सभी आज कल पहुंचे हुए थे चंडीगढ़, जो प्रमुख सचिव हैं, प्रधान सचिव हैं, जो उनसे मुलाकात भी की है, उन्होंने कहा भी है कि इस पर जरूर काम करेंगे, बात करेंगे अधिकारियों से। तो जिनकी सैलरी 50,000 रुपये से ज्यादा है वो इसमें भाग नहीं ले सकता इस पॉलिसी में। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने बताया है, डिप्लॉयड बाय हरियाणा कौशल रोजगार निगम अंडर डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन पॉलिसी, यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन पॉलिसी 2022 के माध्यम से कौशल रोजगार निगम के द्वारा जो लगाए गए थे वो इसमें भाग लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, हैज कंप्लीटेड एट लीस्ट 5 ईयर, यानी कि उसके जो 5 साल काउंट करने के बेसिस है, किस बेसिस पर काउंट किए जाएंगे वो देख लीजिए, बहुत सारे साथी इसके बारे में पूछते हैं। हैज कंप्लीटेड एट लीस्ट 5 ईयर, कम से कम उसको 5 साल कंप्लीट किए होने चाहिए इन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑन फुल टाइम बेसिस, और फुल टाइम बेस पर ये होना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। अब फुल टाइम बेस पर आप लोग समझ जाइए, बहुत सारे साथी जो हैं क्या करते हैं, कमेंट करते हैं पार्ट टाइम वाले, तो इसी से समझ लीजिए आपका नंबर इसमें नहीं है पार्ट टाइम वालों का। ठीक है, कब किसी को बुरा भी लग सकता है, बुरा मानने की जरूरत नहीं है, जो इसमें पढ़ रहे हैं हम वो इसी में लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने क्या कुछ बताया है वो देख लीजिए, ये पॉइंट है जानने वाला। इन्होंने बताया है कि 1 साल के दौरान, जी हाँ, जो 1 साल के दौरान 240 दिन की उसकी हाजिरी होनी चाहिए साथियों। ठीक है, उसको जो पैसा है वो मिला हुआ होना चाहिए 240 दिन का, यहाँ पर ये बात इन्होंने स्पेशल मेंशन की है। देखिए, फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द नंबर ऑफ ईयर ऑफ एंगेजमेंट, जो नंबर ऑफ एंगेजमेंट गिना जाएगा, साल जो उसके गिने जाएंगे, कैसे गिने जाएंगे, कर्मचारी के, ए कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हु हैज रिसीव रेम्यूनरेशन, यानी कि उसकी जो सैलरी है वो, ठीक है, उसने रिसीव की होनी चाहिए फॉर द लिस्ट कम से कम 240 दिन की, एक कैलेंडर ईयर, ठीक है, एक कैलेंडर ईयर में 240 दिन की सैलरी उसने ली होनी चाहिए, यहाँ पर ये बात है। और अगर उसकी छुट्टी है तो छुट्टी भी उसकी जो ऑथराइज छुट्टी होनी चाहिए, कुल मिलाकर यहाँ पर ये समझ लीजिए। ठीक है, इस पैरा में देख लेते हैं, ये हमने छोड़ दिया था क्योंकि इस पर मेरी नजर चली गई थी 240 वाले पॉइंट पर, क्योंकि ये बहुत ही मुख्य पॉइंट है, बहुत सारे साथियों के जो परेशानियां है ना वो इन चीजों से खड़ी होंगी आने वाले टाइम में। अभी उनको लग तो रहा है हम भी ठीक है, हमारा भी इसमें नंबर आ जाएगा, लेकिन जब इसके पॉइंटों को कैलकुलेट करेंगे ना, एक एक पॉइंट को, तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग को टच करेंगी और आपको लगेगा कि हो सकता है कहीं आप भी बाहर ना हो जाओ, तो क्योंकि बहुत सारी जो चीजें हैं वो इसमें रखी जाएंगी आने वाले टाइम में, और भी बढ़ाई जाएंगी धीरे धीरे। इसके बाद यहाँ पर, द पीरियड ऑफ सर्विस शैल बी कंसिडर एज द पीरियड फॉर विच रिम्यूनरेशन वॉज मेड, जिसका, देखिए इसमें भी इन्होंने यही बात बताई है, वही पीरियड काउंट किया जाएगा जिसकी आपकी सैलरी बनी होगी, रिम्यूनरेशन वाज मेड, जिसकी आपकी सैलरी बनी थी वही आपका पीरियड गिना जाएगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू द कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय एंड शैल इंक्लूड द पीरियड ऑफ एनी लीव अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो मैंने इस पॉइंट में भी जिक्र कर ही दिया था, जो आपकी छुट्टियां है ना वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा, एक मान्य अथॉरिटी के द्वारा, अगर आपकी छुट्टी दी गई है ना उसनी को काउंट किया जाएगा, वरना काउंट नहीं किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, बट शैल नॉट इंक्लूड, अब इंक्लूड कौन नहीं होगा, किसका नंबर नहीं आएगा इस पॉलिसी में, देख लीजिए यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी वाली में, हैज बीन एंगेज अंडर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम पेड इन पार्ट और फुल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के तहत काम कर रहे होंगे, चाहे वो पार्ट टाइम है चाहे वो फुल टाइम है, इसमें कोई भी नहीं आएगा, ये पॉइंट हमने परसों ही बता दिया था अपनी वीडियो में। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए, जैसे कि
मिड डे मील शायद सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, आंगनबाड़ी वर्कर्स या फिर आशा वर्कर, बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनके जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, हैज बीन एंगेज ऑन ऑनोरेरियम बेसिस, यानी कि जो मानदेय बेस पर लगे हुए हों। रेमुनरेशन तो आपकी जो है सैलरी, और ऑनोरेरियम आपका मानदेय, मानदेय जैसे कि चौकीदारों को मिलता है, मानदेय मिलता है ना कि उनको सैलरी मिलती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, बहुत सारे साथी पूछते हैं सर हम आएंगे नहीं आएंगे, हमारी ये पोस्ट है सर हम आएंगे नहीं आएंगे, हम इस डिपार्टमेंट में। देखिए भाई, मैं नहीं बता सकता कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे। आप ये देखिए सबसे, देखिए मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, आप ये देखिए आप किस पोस्ट पर हैं, किस तरह से लगे हुए हैं, और आप पार्ट टाइम हैं, फुल टाइम हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हैं, स्टेट गवर्नमेंट हैं, या फिर आपकी जो पोस्ट है वो क्या है, कितना टाइम आपको हो गया है। हम आपको सिर्फ कंडीशन बता सकते हैं भाई, किस कंडीशन वाले आएंगे। अब पोस्ट का तो आपको अब खुद पता होना चाहिए। अब एक ही डिपार्टमेंट में, जैसे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में, जो साथियों जो ट्यूबल ऑपरेटर होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। अब कुछ साथी डायरेक्ट लिख देते हैं जी मैं ट्यूबल ऑपरेटर लगा हुआ हूँ, क्या हम इसमें आएंगे। अब हमें क्या पता दोस्तों वो किस तरह से जो है ट्यूबल ऑपरेटर लगा हुआ, ग्रामीण ट्यूबल ऑपरेटर भी होते हैं, ठीक है। अब किस तरह से लगा हुआ है, पार्ट टाइम फुल टाइम, डिपार्टमेंट के द्वारा डायरेक्ट लगा हुआ है, 2 साल से लगा है, 5 साल से लगा है क्या नहीं है, तो आप लोग वो खुद देखना। आपको सिर्फ ये जो कंडीशन है इन पर ध्यान देना, अगर आप उन चीजों को फॉलो करते हो तो आपको अपने आप पता चल जाएगा भाई आप इसके अंदर आएंगे या फिर नहीं आएंगे। हैज बीन पेड रिम्यूनरेशन फॉर सर्विस रेंडर्ड ऑन ए पार्ट टाइम बेसिस बाय द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई है, यहाँ पर सेंटर या फिर स्टेट की नहीं हुई है, तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर इन्होंने लिखा है तो ये हरियाणा की बात है सीधी सीधी, ठीक है। इसमें दोस्तों क्या बता दें आप लोगों को, जो पार्ट टाइम कर्मचारी हैं वो इसमें शामिल नहीं होंगे हरियाणा के भी। ये पहला पॉइंट तो था सेंट्रल गवर्नमेंट का, चाहे वो कैसा भी कर्मचारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में काम कर रहा है तो इसमें नहीं आएगा। अगर हरियाणा का है और पार्ट टाइम है तो वो भी इसमें शामिल नहीं होगा, पार्ट टाइम हरियाणा वाला। इसके बाद यहाँ पर चौथा पॉइंट जो दिया हुआ हैज अटेंड द एज ऑफ 58, ये भी हमने बता दिया था, ये भी बता दिया था, ये पांचों पॉइंट वैसे हमने आप लोगों को ये कागज आने से पहले ही बता दिया था, ठीक है। फिर भी मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, चौथा पॉइंट ये, अगर आपने जैसे 58 साल एज पूरी कर ली और फिर भी आप किसी ठेकेदार के थ्रू वैसे भी भाग में लगे हुए हैं कौशल रोजगार निगम के बगैर, कौशल रोजगार निगम में सभी कर्मचारी नहीं आए आज तक, ये भी ध्यान रखना आपको, ठीक है। सारे के सारे कर्मचारी पोर्ट नहीं हो गए आज भी, कौशल रोजगार निगम से बाहर ठेकेदारी के थ्रू आज भी काम कर रहे कर्मचारी, तो हो सकता है उसने 58 साल के बाद भी वो काम कर रहा हो, तो वैसे कर्मचारी नहीं आएंगे इसमें। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों इन्होंने क्या बताया है देख लीजिए, पांचवें पॉइंट में, हैज बीन टर्मिनेटेड और रिमूव्ड। भाई कोई कर्मचारी अगर किसी विभाग ने जैसे हटा दिया है, अफसर ने, कंपिटेंट अथॉरिटी ने अगर उसको हटा दिया है अफसर ने, या फिर कोई कर्मचारी खुद चला गया है और अब वो दोबारा से आकर वहां पर दावा करे कि सरकार पक्के कर रही है जी मुझे भी ले इसमें, तो वो इसके लिए मान्य नहीं होंगे। यहाँ पर ये 5 पॉइंट इन्होंने क्लियर कर दिए हैं। आई थिंक आप लोगों को बिल्कुल खुलकर समझ में आ गया होगा किसका इसमें नंबर आएगा और किसका नहीं आएगा, ठीक है। मेन पॉइंट हमने बता दिए हैं, अगले पेज पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए जो मुख्य पॉइंट है, बाकी किसी को कोई डाउट है अपना खुद पढ़ लेना भाई, ठीक है। इसको हम डाल देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर भी और व्हाट्सएप चैनल पर भी, दोनों ही चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आगे देख लीजिए इसको मैं और क्या कुछ बताया गया है। अब यहाँ पर सुविधाओं के बारे में बताया गया है दोस्तों, ठीक है। सुविधाओं की बात करें तो बेनिफिट की बात करें, देखिए यहाँ पर सच बेनिफिट कौन कौन से मिलेंगे। अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में तो आपका आयुष्मान कार्ड ही चलेगा इन कर्मचारियों के लिए, पहला पॉइंट ये है, आपको हेल्थ की जो है सिक्योरिटी मिल जाएगी आयुष्मान कार्ड, चिरायु कार्ड के द्वारा। इसके बाद यहाँ पर जो सैलरी बढ़ने की बात है, जनवरी और जुलाई में आपकी सैलरी बढ़ेगी, जो डीए बढ़ता है, डियरनेस अलाउंस जिसको हम बोलते हैं, उसके द्वारा, जैसे कि पक्के कर्मचारी का बढ़ता है। ये पॉइंट भी हमने आप लोगों को क्लियर कर दिया था। तो इन्होंने यहाँ पर बताया जो ईयरली आपका जो वृद्धि होती है वो भी इसमें आप लोगों के जो उसके योग्य रहेंगे, ईयरली जो बढ़ती है यहाँ पर देखिए, ठीक है, एवरी ईयर जो आप लोगों की बढ़ती है वो तो आपकी बढ़ेगी ही, जैसे कि सरकार ने पहले से घोषणा कर रखी थी वही 5% बढ़ाएंगे, लेकिन वह बढ़ाई नहीं, बाद में कुल मिलाकर 8 बढ़ा दी थी सारी की सारी, उसका भी कर्मचारी विरोध कर रहे थे। तो यानी कि जो हाफ ईयर में बढ़ती है वो डीए के रूप में भी, और जो वैसे सैलरी बढ़ती है वो भी आप लोगों को फायदा मिलेगा। इसके बाद जो महिलाओं को जो मेटर्निटी लीव मिलती है उसका भी फायदा मिलेगा, ठीक है, इसकी भी कोई परेशानी आप लोगों को नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं कुछ, ये देखिए यहाँ पर इन्होंने स्ट्रक्चर जो दिया है बेनिफिट का, इसमें भी क्लियर किया हुआ है, ठीक है। सैलरी आपको स्टार्टिंग में जैसे जो मिलेगी वो कैसे मिलेगी, 5 साल वालों को कैसे मिलेगी, इसके बारे में हमने बताया था। 5% ऑफ मिनिमम पे लेवल, जो भी पे लेवल होगा पक्की पोस्ट का उसका मिनिमम 5%,
या फिर आपके पास 8 साल का अनुभव है तो यहाँ पर उसका 10% मिनिमम, ठीक है, या फिर 10 साल का अनुभव है तो उसका 15% लेवल, ठीक है। ये आप लोगों को मैंने परसों ही क्लियर कर दिया था, अगर इस वीडियो में समझ में नहीं आ रहा है तो उस वीडियो को जाके देख लेना। इसके बाद यहाँ पर हमने ये बात आप लोगों को बता दी, हेल्थ के लिए आप लोगों को चिरायु कार्ड मिलेगा, और इसके बाद यहाँ पर जो रिटायरमेंट के लिए बेनिफिट है वो भी आप लोगों को मिलेंगे। ये एक्ट पहले से ही है, इस एक्ट के दौरान, इस एक्ट के हिसाब से आप लोगों को मिलेगा। मैटरनिटी लीव का एक्ट पहले से है, उस एक्ट के दौरान, उस एक्ट के तहत ही आप लोगों को जो है मैटरनिटी लीव मिलेगी, यानी कि जो रिटायरमेंट के बेनिफिट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर वो एक मुश्त वाला, भाई ये ध्यान रखना, ये वही रिटायरमेंट वाली है, ठीक है। डेथ कम, रिटायरमेंट ग्रेजुएटी वाली चीज, ठीक है। ये वो एक्ट पहले से ही बना हुआ है, मैटरनिटी लीव का एक्ट पहले से बना हुआ है। एक्स ग्रेसिया नीति जो फिलहाल गवर्नमेंट की है, स्टेट गवर्नमेंट की, वो ही फॉलो की जाएगी, इसमें ये भी बताया गया है। द बेनिफिट ऑफ एक्स ग्रेसिया, इसमें यहाँ पर ये चीज बता दिया, फाइनेंशियल असिस्टेंट और अपॉइंटमेंट एज पर द रूल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की पॉलिसी के अनुसार जो लागू है। तो ये सेक्शन आप लोग देख लेना, इसमें भी कोई कई चीजें जो आपको क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद लास्ट में यहाँ पर देख लीजिए, इसमें भी जो बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं वो इसमें कंक्लूड कर दी गई हैं, सारी की सारी, कोई ज्यादा इसमें अलग से बातें नहीं है। ये इसमें हिंदी में एक बार लास्ट में हिंदी में दोहरा देते हैं, एक पेज को देखिए, इन्होंने बताया है भाई किस तरह से बड़ी संख्या में कर्मचारी काम कर रहे हैं, बहुत सारे राज्य सरकार को सेवाएं दे रहे हैं, कोर्ट भी बार बार जो है बोल रहा था इनको कुछ लाभ दिया जाना चाहिए, इनके पक्ष में कुछ फैसला होना चाहिए, इनको सरकार की तरफ से कुछ होना चाहिए, अपना जीवन का महत्वपूर्ण काल देते हैं। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं ये क्या कह रहे हैं, इस प्रस्ताव को अधिनियम के माध्यम से लाने का प्रस्ताव है, हालांकि विधानसभा के अगले सत्र तक इसमें देरी करने से इन कर्मचारियों के बीच संकट और अनिश्चितता बढ़ जाएगी, जिससे विभिन्न सरकारी कार्यों में विभिन्न संभावित व्यवधान या माननीयों के में कानूनी उलझने बढ़ जाएंगी। इसलिए यहाँ पर दोस्तों कार्यकाल की आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने, सेवा शर्तों में सुधार करने के लिए इस अध्यादेश को तत्काल लागू करने की, यानी कि कुल मिलाकर इन्होंने यहाँ पर यह बात बोली है भाई हम क्यों लेकर आए हैं इसको इमरजेंसी में, ठीक है। यानी कि कानून के तौर पर, एक तो ये होता है विधानसभा सत्र चल रहा हो तो हम उसको सीधा कानून के रूप में ही ले आए, लेकिन सत्र नहीं चल रहा तो हमने ऑर्डिनेंस ले आए, अध्यादेश ले आए, और क्यों लेकर आए हैं वो इसमें ये बताया गया है। बाद में इसका कानून आता रहेगा, बनता रहेगा, कोई समस्या नहीं है, वो अब सरकार की जिम्मेदारी है, ऑर्डिनेंस ले आए तो अब इसको कानून के रूप में भी बनाना। तो जो पॉइंट आपको क्लियर हो गए अच्छी बात है, नहीं हुए तो स्वयं, जी हाँ, कमेंट करने की आपको आवश्यकता मैं ये नहीं कहूंगा पड़ेगी, आप स्वयं भी इसमें जो है देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्जन अब अपने टेलीग्राम चैनल, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट्सएप चैनल दोनों पर ही डाल देंगे, और दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना और अच्छे से इसको पढ़ लेना या किसी से और पढ़वा लेना, हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन आप लोगों को उपलब्ध हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।